जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। श्री श्री राधा माधव की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वयं पढ़ रहे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 18। अध्याय का नाम उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। श्लोक क्रमांक 30। राइट, सब मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। नियतम संग रहितम राग द्वेषतः कृतम अफलाप्रेप्षुना कर्म यत्तत्सात्विकम् उच्यते। नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतं अफलाप्रेप्षुना कर्म
यत्तत्सात्विकम् उच्यते नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकम् उच्यते पहले प्रभु जी का होने दीजिए, एक मिनट पहले प्रभु जी का होने दीजिए, फिर माता जी इसको बोला जाएगा। प्रभु जी माता जी शब्दार्थ नियतम नियमित संगरहितम आसक्ति से रहित राग द्वेषतः राग द्वेष से रहित कृतम किया गया अफल प्रेप्सुना फल की इच्छा से रहित वाले के एक मिनट फल की इच्छा से रहित वाले कुछ अजीब ही लिखा है फल की इच्छा से रहित वाले के द्वारा ऐसा लिखा है, ये भी वही लिखा है कुछ तो मतलब ये है कि फल की अपेक्षा नहीं है कार्य करते वक्त, तो फल की अपेक्षा से रहित है। कर्मा कर्म यत जो तत् वह सात्विकम सतोगुणी उच्यते कहा जाता है। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। तात्पर्य विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्तिपरक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्णा भावनामृत में किए जाते हैं उसे सात्विक कहलाते हैं। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे
नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिवसे नमः वांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभय एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सो ये आखिरी अध्याय है भगवद्गीता का, इसमें पूरे भगवद्गीता का समरी है। सो अभी बात हो रही है तीन गुणों की। तीन गुण मीन्स भौतिक संसार। तीन गुण सबको पता है, सतो रजो और तमोगुण। तो ये आप देख भी सकते हो, तो ये दोनों जगह है हमारे अंदर भी और बाहर भी। कभी कभी लोग जाते हैं, एकदम शांत जगह रहती है, एकदम शांत वातावरण रहता है, सुंदर तालाब है, पंछी है, मतलब सतोगुण का उसमें लक्षण है। कोई कोई बच्चे रहते हैं जो रजोगुणी रहते हैं, वो पत्थर मारते हैं और डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर रजोगुण है। तो ये जो गुण है, ये बाहरी तौर पे भी अंदर तौर पे भी है। तो कभी कभी अंदर का चीज़ बाहर की चीज़ों को डिस्टर्ब कर देता है, और कभी कभी बाहर का वातावरण हमें डिस्टर्ब कर लेता है। जैसे हम कोई डांस पार्टी में चले गए भौतिक लोगों के, इसमें रजोगुण से भरा हुआ, तमोगुण से भरा हुआ, तो उसका असर हमें भी हो जाता है। तो ये इतना प्रबल है ये तीन गुण। सो ये तीन गुण पे इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि इसे हमें परखना है, इसे समझना है और इसके ऊपर आना है। जो हमें ऐसे कार्य नहीं करना है कि गुण आपको कार्य करवाता है। जैसे आपको जब कोई डिजीज हो जाता है तो आपको सिम्टम्स आते हैं, राइट? जब सर्दी हो जाए तो अलग सिम्टम आता है, डायरिया हो जाए तो अलग सिम्टम आता है, राइट? तो जो आपको आएगा बीमारी उसके हिसाब से सिम्टम आते हैं। तो वैसे जैसा गुण आपको बोलते ना काबू में करेगा, उसके हिसाब से आप वैसे कार्य करते हो। तो हमने जो फेमस फोटो देखा रहेगा जिसमें तीन माताएं हैं और कठपुतली जैसे खेल रही है, राइट? और दो व्यक्ति को कंट्रोल कर रही है, एक मास्टर बना हुआ है कि उसे लगता है वो मास्टर है, वो भी कंट्रोल में है कठपुतली जैसा, और एक दूसरा क्या है, सर्वेंट है, मुझे मत मारो मुझे मत मारो। अगर फोटो आप बारीकी से देखेंगे तो उसे लगता है कि वो सर्वेंट है। मत दोनों का जो प्रभाव है दोनों गुणों की वजह से हो रहा है, एक तमोगुण में है एक रजोगुण में है। मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ हूँ, और पोजीशन भी चेंज होते हैं अचानक से। तो अभी ये एकदम है, कोई इसके ऊपर और बॉस बन गया तो ये मास्टर बन जाएगा। तो ये जो प्रभाव है गुणों का, ये हमें अपने कार्यों में दिखता है, और हमें ऐसे कार्य से बचना है जिसके वजह से हमें वापस इस संसार में जन्म लेना पड़े। यही उद्देश्य है यहाँ पे बताने का, क्योंकि अगर समझ ही नहीं पाओगे कि तमोगुण के क्या लक्षण है, रजोगुण के क्या लक्षण है, सतोगुण के क्या लक्षण है, तो आप शुद्ध सत्व जब हम बात करते हैं, वासुदेव स्टेज की बात करते हैं, उस पर कैसे पहुंच पाओगे? तो इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे कार्य, जो रेगुलेटेड हो। रेगुलेटेड मतलब जिसका कोई कंट्रोल बता, जिसका कोई कंट्रोलर हो। जैसे ये एसी अभी गर्मी के दिनों में कितने में चलना चाहिए? 24-25, ठीक है? अभी इसको मैं चला दूंगा हीटिंग मोड पे 35 पे, तो क्या हो जाएगा? एकदम गड़बड़ हो जाएगा, राइट? ठीक है। सो रेगुलेशन होना चाहिए किसी चीज का। तो ये कौन डिसाइड करता है? धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान डिसाइड करते हैं क्या रेगुलेशन है। हम डिसाइड नहीं करते हैं, नहीं मेरा मन कर रहा है ऐसे। जैसे यहां पे अगर 20 लोग हैं, जो होता भी है कभी कभी, हम कहां पे क्लासरूम में रहते हैं, कॉलेज में रहते थे, तो किसी को ठंडी लग रही है, किसी को गर्मी लग रही है, कोई पंखा चालू करता है पंखा बंद करता है। क्लासरूम के टेंपल हॉल की बात कर लेते हैं, किसको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, किसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, एक पंखा चालू होता है एक पंखा बंद करता है, लड़ाई हो जाती है। मगर रेगुलेशन है कि भाई एक अथॉरिटी है, वो बोलेगा भाई ये इस टेम्परेचर पे चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रेगुलेशन को फॉलो करना, एक बड़े अथॉरिटी को फॉलो करना। तो अथॉरिटी को फॉलो करना मीन्स सतोगुण। जब आपके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है और आप खुद अथॉरिटी बन जाते हो, खुद के सेल्फ अपॉइंटेड अथॉरिटी, जो हम देखते कभी कभी होता है, सब लोग खुद के ही अथॉरिटी बन जाते हैं, तब प्रॉब्लम होता है, तब प्रॉब्लम होता है, तो वो नहीं चलेगा। तो सतोगुण का जो कार्य सबसे पहले क्या है, वो रेगुलेटर होता है, उस पर एक अथॉरिटी रहता है। उसके बाद जो कार्य होता है उसमें कोई अटैचमेंट नहीं है,
अटैचमेंट मीन्स आसक्ति, दूसरा कह सकते हो उससे कोई उम्मीद नहीं है वो कार्य से। कैसा उम्मीद नहीं है? खुद के फायदे को उम्मीद नहीं है कि हमारे खुद के फायदे के लिए तो हम आसक्त हो जाते हैं, मेरा क्या फायदा है, मुझे क्या मिलेगा, वही तो आसक्ति पैदा करता है। हाँ ऐसा मिलेगा, ये कितना अच्छा है। हमें बुरी चीज़ों से आसक्ति होती है क्या जिसमें नुकसान होगा? नहीं, जहाँ पे फायदा होता है वो चीज़ें उसे आसक्ति होती है। एक आसक्ति होती है, दूसरा क्या होता है? द्वेष, कि ये नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, हेटरेट, कैसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। तो एक आसक्ति पैदा करता है जो फायदा देता है, और जो नेगेटिव है वो हेटरेट पैदा करता है। तो आपके कार्य दोनों से रहित होने चाहिए, आसक्ति से भी और द्वेष से भी। ये दिया गया है यहाँ पे, अराग द्वेषतः कृतम, ये दोनों से मुक्त होना चाहिए। नहीं मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं करूँगा, कोई भी बोले मैं नहीं करूँगा, कोई बोलेगे हाँ ये करूँगा क्योंकि मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा, मैं रोज़ आरती गाऊँगा क्योंकि मुझे लोग देखेंगे, मुझे कोई होरेगा नहीं मैं नहीं गाऊँगा, मुझे पसंद नहीं, मुझे ऑडियंस चाहिए 500 लोगों का, ठीक है। तो ऐसा कार्य क्यों करे, कोई करेगा इससे रहित करेगा अटैचमेंट से और हेटरेट से, वो भी रसतोगुण में नहीं आता है। उसके बाद एंड विदाउट डिजायर फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़, तो उसमें हो गया, अगर फ्यूचर एक्टिविटीज़ का मेंटेलिटी रहेगा, फल की अपेक्षा रहेगी, तो आसक्ति ऑटोमेटिक है, वो ऑटोमेटिक है। अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो वो सतोगुण में है। सो हमें हमारे कार्य को एनालाइज करना चाहिए जो हम रोज करते हैं, उसमें देखना चाहिए उसमें सतोगुण कितना है और रजोगुण कितना है। जब सतोगुण की कैटेगरी में आएंगे तब हम शुद्ध सत्व की कैटेगरी की बात कर सकते हैं, डिवोशनल लेवल की बात कर सकते हैं। डिवोशनल लेवल चीप नहीं है कि मैंने बस पहनावा पहन लिया और मैं शुद्ध सत्व हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपके पहनावे से कुछ नहीं होगा, नहीं मेरा ब्राह्मण थ्रेड भी आ गया, मैं अभी शुद्ध सत्व में चला गया, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, ठीक है। सो आपको ये इसको एनालाइज करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सो ये पूरे यहाँ पे जो बताया गया है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड आता है वो है ड्यूटी। ड्यूटी का हिंदी में वर्ड हो सकता है कर्तव्य, और धर्म भी कह सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, और कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा क्या कर्तव्य है। पहले हमें कुछ पता नहीं था, हम तो जो बोला गया था जो सुना गया था वही करते थे, वही यहाँ पर पता चलता है कि ये मेरा कर्तव्य है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शिला प्रभुपाद जी जब शरीर छोड़ रहे थे, त्याग रहे थे अपना ये धरातल से, तो कुछ दिन पहले उनके एक घनिष्ठ मित्र आए और वो क्या है, प्रभुपाद जी आपने तो एकदम चमत्कार कर दिया, बहुत बड़ा बड़ा कार्य किया है आपने, दिस इज़ लाइक वंडरफुल। तो प्रभुपाद जी कहते ओ नो, आई जस्ट डिड माई ड्यूटी, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य किया है, मैंने कुछ चमत्कार नहीं किया है, आई जस्ट डिड माई ड्यूटी। प्रभुपाद जी ये कहते हैं ड्यूटी टूवर्ड्स स्पिरिचुअल मास्टर, ड्यूटी अपने डिसाइपल्स के तरफ, ड्यूटी कृष्णा के तरफ, मैंने अपना सिर्फ ड्यूटी किया है, और मैं ड्यूटीफुल था इसलिए वो वंडरफुल हो सकता है। उसके बाद एक और बार प्रभुपाद जी का ये चर्चा हुआ था जिसमें तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद जी आप सच्ची में आप ऐसे हमारे साथ वार्तालाप करते हैं जिससे हमारा जो संबंध है और डीप होते जा रहा है, और उसकी वजह से हमारी आसक्ति और बढ़ रही है आपके ऊपर, तो हम नहीं चाहते कि आप हमें छोड़ के जाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं नो, आई जस्ट डिड माई ड्यूटी, मैंने अपना सिर्फ ड्यूटी किया है। प्रभुपाद जी फिर एक जोक कहते हैं कि जब मैं कॉलेज में था तो एक प्रोफेसर था जो विदेश से आया था, और वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में थे प्रभुपाद जी, तो जब वो कुछ कहता था कि क्या करना चाहिए तो ड्यूटी ड्यूटी बोलता था, डू योर ड्यूटी, जी जे यू टी आई ड्यूटी। सो ऐसा मजाक उड़ाते थे बच्चे, हमें क्या करना चाहिए, ड्यूटी। सो प्रभु जी ऐसा जोक मार रहे थे और फिर उस टाइम पे सबको ये कर रहे थे। सो ये ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम देखेंगे कि भागवतम में जब परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है और उन्हें पता चलता है कि वो 7 दिन में उनको शरीर छूटने वाला है, तो जो वो जाते हैं ऋषि मुनियों की सभा में, वो क्या कहते हैं कि भाई मुझे 2 चीज बताओ, पहला कि मेरा इमीडिएट ड्यूटी क्या है, मुझे इमीडिएटली अभी क्या करना चाहिए, और हर एक मतलब इमीडिएटली मतलब अभी मैं मरने वाला हूँ तो मेरा इमीडिएट ड्यूटी क्या है, दूसरा जो नहीं मरने वाला है वो नॉर्मल सिचुएशन में उसका क्या ड्यूटी है। तो ऐसे 2 सवाल करते हैं,
और इसमें से प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये दो क्वेश्चन में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है कि जो मरने वाला है उसका ड्यूटी क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है कि परीक्षित महाराज को तो पता था वो कब मरने वाले हैं, हमें क्या बताएं, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, 20 साल, 30 साल, नो डोंट नो, तो हम कभी भी मर सकते हैं। इसलिए कब मरने वाले वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम मरने वाले हैं और हमारे ड्यूटी क्या है ये हमें पता रहना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर पूरा भागवतम 2nd कैंटो से लेके आखिरी तक इसके ऊपर ही है कि आपका ड्यूटी क्या है, पूरा उसके ऊपर है कि आपको क्या करना चाहिए। तो हम सबको पता है हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? कुछ तो हम करते हैं, राइट, कुछ तो हम करते हैं, मगर जो रियल ड्यूटी वो नहीं कर पाते, जो क्या है, भगवान की सेवा करना, डिवोशनल सर्विस, सर्विस इन डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा, सर्विस नॉट फॉर फेम एंड ग्लोरीज, सर्विस इन डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा, ये हमारा ड्यूटी है। मगर हम सर्विस कर सकते हैं फॉर फेम, ग्लोरी, पोजिशन, बहुत सारी चीज़ों पर कर सकते हैं, और हो भी रहा है और हम कर भी रहे हैं, हम भी उससे प्रभावित है, हम सब प्रभावित है उससे। सो ये हमें चेंज करके इस पे लाना है। तो हम क्यों डिवोशन पे नहीं करते कृष्णा से और बाकी चीज के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि हम पे ये तीनों गुणों का प्रभाव है। और ये प्रभाव से कैसे रहित हो सकते हैं, ये प्रभाव से रहित कैसे हो सकते हैं? कृष्णा कहते हैं ना, माम एव प्रपदन्ते माया मेतम तरंती थे। ये तीन गुण बहुत डिफिकल्ट है कि हर जगह पे है, अंदर बाहर कहाँ नहीं है, कैसे बचोगे? माम एवा प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। तो डिवोशनल सर्विस वो ये माम एवा प्रपद्यन्ते मीन्स क्या? डिवोशनल सर्विस। तो अब इसमें जब लगे रहोगे, और कैसे लगे रहोगे? भक्तों के संग में लगे रहोगे, तो कोई ना कोई आपको तो डांट ही देगा कि गलत कर रहा है भाई तू, ये गलत है, ये एटीट्यूड सही नहीं है, ये आपकी आदत अच्छी नहीं है, तब ऑटोमेटिकली करेक्शन हो ही जाएगा। मगर हम करेंगे ना ना ना, इनको क्या पता, इनको क्या पता, मुझे सब कुछ पता, मैं घर में बैठ के अपना करूंगा, मैं तो राधा कुंड में जाऊंगा, वहां पे बनूं अपना करूंगा, कुटीर बनाऊंगा और उधर करूंगा, तब क्या होगा? तब मेंटल ड्यूटी, जो मेंटल डिवोशन पैदा होगा, कृष्णा मेरे सपने में आ रहे हैं, कृष्णा मैं मुझे ये कर रहे हैं, कृष्णा मुझे वो कर रहे हैं, और सो कॉल्ड ये करेंगे, और फिर मुझे भी थोड़ा सा गोपी ऐसा बनना चाहिए, फिर गोपी ड्रेस में मैं घूमूंगा। ये मेंटली आप ऐसे अफेक्ट होकर, आप लग रहा है कि आप कृष्णा भक्ति में हो मगर आप डिविएट होते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि डिवोशनल सर्विस विदाउट भक्तों के संग से नहीं हो सकता, खुद के अपने सो कॉल ये कल्पना से नहीं हो सकता। और जब हम शुद्ध नहीं हो सकते तो हम क्या कल्पना करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे? इसलिए धर्मांतु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने कहा है कि यह प्रोसेस है, भक्तों के संग में भक्ति करो। तो अगर हम भक्तों के संग में रह के जो हमें फैसिलिटी देते हैं सर्विस की, और मंदिर भी हमें फैसिलिटी दे रहे हैं सर्विस का, तो उसका फायदा उठा के हमें क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। मगर होता क्या है, हम आते हैं मंदिर में, वो एक शॉर्ट वीडियो निकला था जिसमें एक बच्चा रो रहा है, मैं शादी में जब आता था मुझे रोज़ राजभोग मिलता था, रसमलाई मिलता था, ये मिलता था, अब 1 साल का हो गया कोई मुझे पूछता नहीं है, कोई मुझे प्रसाद देता नहीं है, वो कंप्लेन कर रहा है, राइट? सो तीन स्टेजेस होते हैं भक्त के, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। सो आप देखेंगे, जैसे अभी वृंदावन टेंपल फॉर एग्जांपल, अभी हमने कुछ दिन पहले देवी शक्ति माता जी का वो प्रेजेंटेशन देखा रहेगा, जहाँ पे वो बता रही थी कि कृष्ण बलराम टेंपल का कैसे ये कंस्ट्रक्शन हुआ था, क्या क्या डिफिकल्टीज थे, कितने कष्ट थे, ठीक है? अभी ऐसे फॉर एग्जाम्पल आश्रम में हर एक रूम में कूलर्स हैं, हम खुद यहाँ पे एसी हॉल में बैठे हैं, कि बहुत प्रगति कर दिया मंदिर ने, राइट? तो भक्तों को फैसिलिटी मिल सकती है। उस टाइम पे क्या था, एक झोपड़ी थी गर्म पानी करने के लिए गीजर नहीं था, वो स्टोव था, वो कोले का वो था, उस पर करते थे, तो बहुत पानी के लिए नल नहीं आता था, आपको जाके खींचना पड़ता था, और लाइट नहीं थे, पूरे पूरे फ्लड लाइट नहीं थे हर जगह पे, पूरा अंधेरा था, तो लैम्प लेके जाना पड़ता था कि क्या है, तो कभी लैम्प गिरता था, ये तो बाल्टी गिरती थी, कुछ तो गिरता था अंदर, तो ये सब डिफिकल्टीज थे, और उसमें ये किया। और अभी क्या है, अब फैसिलिटीज़ है, टैप वाटर है, हाँ, प्रसाद टाइम पे मिल रहा है, और अच्छा प्रसाद मिल रहा है, हर कुछ दिनों में फीस्ट मिल रहा है, तो अच्छा फैसिलिटी है। पहले खराब था, अभी अच्छा है, 20 साल बाद खराब भी हो सकता है, भौतिक संसार है, कि जो फैसिलिटी है ये मटेरियल नीचे की फैसिलिटी है,
ठीक है, मगर जो होल पर्पस है फैसिलिटी का, उद्देश्य क्या है इस्कॉन का, आपको प्रोसेस बताना क्या कि भक्ति कैसे करना है। तो जो पूरा एम है ये मैनेजमेंट का, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन का, मेरी एम क्या है, भक्ति का प्रोसेस देना। तो उस टाइम में जब भक्त थे जो तकलीफ में थे तभी भी वो लोग भागवतम क्लास सुनते थे और चैंटिंग करते थे। अभी भी हम इसी में हम क्या कर रहे हैं, भागवतम क्लास कर रहे हैं और चैंटिंग कर रहे हैं। तो प्रोसेस तो वही है, फैसिलिटी बदल रही है। मगर जो व्यक्ति सिर्फ फैसिलिटी से अटैच्ड है और प्रोसेस से अटैच नहीं है वो कनिष्ठ है। और वो व्यक्ति जैसे फैसिलिटी जाती है या उसे कम मिलती है, बोलता है 20 साल हो गया, ये देखो क्या कर रहे हैं मेरे साथ में, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, मैनेजमेंट को कुछ नहीं समझता, ये नहीं, नो नो नो, सब चालू हो गया अपराध करना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे फैसिलिटी कम वो डिस्टर्ब, ये कनिष्ठ है, इससे अटैच्ड है, वो मटेरियल नेचर से अटैच्ड है, कृष्णा से अटैच्ड है, नाम लेता ही लेता है, मगर प्रोसेस से अटैच नहीं है, डिवोशनल सर्विस से अटैच नहीं है। मध्यम वो है जो डिवोशनल सर्विस से अटैच्ड है, फैसिलिटी हो या ना हो, क्योंकि डिवोशनल सर्विस फैसिलिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, आपके एटीट्यूड पे डिपेंडेंट है। आपका एटीट्यूड कैसा है एसी के हॉल में, एटीट्यूड कैसा है सुनने का, नॉर्मल हॉल में एटीट्यूड कैसा है सुनने का, इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। और फिर हायर लेवल है उत्तम, जो आए जैसा आए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पर कृष्णा के पे डिपेंडेंट है, वो हाई लेवल है। तो इसलिए हमारा क्यों तकलीफ होता है हमें, क्योंकि हम प्रोसेस से अटैच नहीं हो रहे हैं, हम अटैच किससे हो रहे हैं, बाकी चीज़ों से, या मिक्स भी चल रहा है, बोलते ना दो बोट है उस पर पैर रख के चल रहे हैं, तो वैसा हो रहा है, इसलिए फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें धीरे धीरे प्रयास करके, जो बाकी साधु महात्मा है हमारे इसमें, जो सन्यासीज है, वरिष्ठ जो भक्त है, उनसे सीखना चाहिए कि कैसे वो डिटैच है, और कैसे जब उनको फैसिलिटी दी जाती है नहीं दी जाती है, उनका रिएक्शन कैसे होता है, कि हम जब साथ में सेवा करते हैं हम देखते हैं लोगों के साथ में कि कैसे उनके साथ होता है, वो कैसे रिएक्शन देते हैं, वो हमें इंस्पिरेशन देगा हायर लेवल ऑफ सरेंडर का, त्याग करने का। एज यू सरेंडर कृष्णा रेसिप्रोकेट, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। सो अगर हमारा एटीट्यूड है कि कृष्णा आपके लिए मैं करूँगा, हमारा एटीट्यूड है कि आप पे डिपेंडेंट होकर करूँगा, तो हमें सही इंस्पिरेशन मिलेगा भक्ति में करने का। हम वो एटीट्यूड सही तरीके से नहीं करते, हमें लगता है कि हम बस मंगल आरती आ रहे हैं, फ्रंट लाइन में खड़े हो रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। नो, आपका एटीट्यूड कैसा है जब मंगल आरती के लिए आते हो, किसके लिए आते हो, भगवान के दर्शन के लिए कि अटेंडेंस देने के लिए, किस एटीट्यूड से आते हो, फायदा तो है मगर एटीट्यूड क्या है। प्रभु जी कहते हैं उपदेश अमृत में, द एडवांसमेंट ऑफ अ डिवोटी डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर, तो उसका कैसा उसका मानसिकता है, तो हमें उस पर काम करना है। कि भारी रूप से तो बहुत सब चेंज हो गया है, घंटी आ गया, बाल उड़ गए, सब कुछ आ गया, मगर एटीट्यूड वो तो सटल है, सूक्ष्म है, वो तो आपको अंदर से उस पर वर्क करना पड़ेगा, रोज सोचना पड़ेगा मेरी गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है, मैं जिस उद्देश्य से आया था मंदिर में वही उद्देश्य है मेरा अभी कि नहीं है, और मैं वो ट्रैक पर हूँ क्या नहीं हूँ, तो रोज हमें एनालाइज करना है। अगर हम नहीं कर पा रहे तो हमें संग है हमारे पास वरिष्ठ भक्तों का, उसका फायदा लेना चाहिए और फिर आगे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता भी इसलिए तो की गई थी, क्यों कहा गया था कृष्णा ने, क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज था, किसके बारे में, ड्यूटी के बारे में। कार्पण्य दोषो पथ स्वभाव प्रचमित धाम धर्म समूह ढचेत यश्वय स्यान निश्चितम रूहितन में शिष्य स्थितम अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। सो आई एम कन्फ्यूज, धर्म समूह ढचेत, मुझे क्या करना चाहिए ड्यूटी मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। और कृष्णा क्या कहते हैं जब ये सुनते हैं तब, कि सिम्टम्स दिखते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, कांपने लग गया, गंडीवा छोड़ दिया, ठीक है। कृष्णा क्या कहते हैं, भाई कुतस्त्वा कष्टमलम इदम, ये इंप्योरिटी ये दूषितपना तुम्हारे इसमें कैसे आया। जब अर्जुन ड्यूटी करने को मना कर रहा था, कृष्णा क्या किया, तुम इंप्योर हो गए, तुम ये गलत काम कर रहे हो। तो अब जब हम ड्यूटी नहीं करते हैं हम इंप्योर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये इसलिए ड्यूटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम देखते भी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पुलिस वाले हो और आपका कोई रिश्तेदार, घनिष्ठ रिश्तेदार आपके सामने, आप देखते हो एक दुकान में घुस के चोरी कर रहा है, तो आपका ड्यूटी क्या है एज ए पुलिस मैन, पकड़ो। मगर मेरा बीवी का ये खास है, रिहारसाला है फॉर एग्जाम्पल, क्या करेंगे, ए भाई हाँ वापस दिए। अगर सेटलमेंट करेंगे तो आपने ड्यूटी किया क्या, अगर पहले ड्यूटी मैन, ड्यूटी क्या है पुलिस मैन, पकड़ो। क्योंकि अगर आपको वरिष्ठ को पता चला कि इसने ऐसा किया है तो क्या बोलेगा,
तुम करप्ट हो गए। तो जैसे आप अपनी ड्यूटी नहीं करोगे आप करप्ट हो जाते हो, दूषित हो जाते हो। तो अगर पूरी फैमिली में अगर लोग ड्यूटी नहीं करेंगे तो फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो जाता है, और तब क्या होता है, सब नीचे पाताल में पॉपुलेशन बढ़ाते जाके सब लोग गति उनकी नीचे चली जाती है। इसलिए ड्यूटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरी वैदिक कल्चर में पूरा एम्फेसिस किसके ऊपर है, ड्यूटी। आपका ड्यूटी क्या, आपको क्या करना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर में एम्फेसिस किसके ऊपर है, मेरा अधिकार क्या है, व्हाट आर माय राइट्स, ह्यूमन राइट्स, दिस राइट्स। ड्यूटी पे फोकस होता ही नहीं है, मेरा अधिकार क्या है, माय बॉडी माय चॉइस, मेरा राइट है। ड्यूटी भी तो है वुमेन का, उस पर फोकस नहीं है, माय बॉडी माय चॉइस। तो ये मेंटेलिटी का फर्क है। वैदिक कल्चर में ड्यूटी पे फोकस रहता है कि मेरा कर्तव्य क्या है एज अ माँ, मेरा कर्तव्य क्या है एज अ किसी की बेटी, मेरा कर्तव्य क्या है किसी का। वैसे ही पुरुष को भी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य क्या है एज अ बेटा, मेरे फादर का कर्तव्य क्या है। फादर बन के वो लड़का छोरा बन के नहीं घूम सकता, ही हैज टू बी अ फादर, उसको ड्यूटी करना पड़ेगा। मगर हम देखते हैं अभी की सभ्यता में कि वो कंसेप्ट ही नहीं है कि ड्यूटी क्या है, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस है। कॉम्प्लिकेशन मीन्स डिवोर्स ज़्यादा है, ठीक है, झगड़े ज़्यादा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़्यादा है, बहुत सारे। क्यों, कि ड्यूटी का वो नहीं, ऑब्लिगेशन नहीं है, वो कल्चर ही नहीं है, वो सिखाया नहीं जाता है। क्या सिखाया जाता है, पढ़ो और पैसा कमाओ, क्या बनेगा बेटा, मशीन, ओके, मनी मेकिंग मशीन। कितना मशीन मंगा वो, मगर मशीन खराब भी हो जाती है ना, बहुत इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर, जब जॉब करने जाते हैं इन्वेस्टमेंट का उतना नहीं मिलता है, ठीक है। सो ये मशीन मनी मेकिंग मशीन है, वो फोकस ही नहीं है कि आपका ड्यूटी भी है। स्कूल्स एंड कॉलेज में क्या होता है, स्किल्स देते हैं, वैल्यूज देते हैं ना, वैल्यूज मिसिंग है। और वैल्यूज हम कहाँ से सीखते हैं, नेटफ्लिक्स से, यूट्यूब से, उधर से सीखते हैं कि ये हमारे वैल्यूज हैं, ठीक है, और हम वैसे बन जाते हैं। तो इसलिए ट्रेडिशन होना बहुत जरूरी है। अगर ट्रेडिशन नहीं है तो हमारी गाड़ी गलत ट्रैक पर जा रही है। आपको पता है कि व्हील्स में बेयरिंग होते हैं, और बेयरिंग की वजह से गाड़ी सही डायरेक्शन में चलती है। तो ये जो ड्यूटी है ये बेयरिंग जैसा है, अगर बेयरिंग खराब हो गया आपका तो गाड़ी कैसे चलेगी, इधर कभी उधर कभी उधर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्या होगा, आजकल लोग डेनमार्क में ऐसा है, आदमी को ऐसा लगता है कि मेरे इसमें फीमेल के ज़्यादा इमोशंस है, तो उसने क्या कर दिया, दो पासपोर्ट बना दिए, एक आदमी के नाम पे और एक औरत के नाम पे। तो किसी जब उसको मूड होता है तब आदमी बन के घूमता है, किसी जब उसको मूड होता है तब औरत बन के घूमता है। और वैसे ये औरतों का भी है, और वो उनको राइट दिया गया है वैसा करने का, वो राइट दिया गया है। और ये सब क्यों हो रहा है, केओस कॉम्प्लिकेशन। जैसे अभी इंडिया में आपको देखेंगे जब टॉयलेट में जाओगे दो ही है, जेंट्स और लेडीज, बाहर जाओगे तो वहाँ पे चार चार साइन है, वो आप फिगर आउट करो क्या साइन है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मगर ये रियलिटी है कि ड्यूटी पे फोकस नहीं, सिर्फ राइट पे, हाँ तुम्हारा राइट है, देखो तुम जो लग रहा है वो करो, ये लग रहा है वो करो, और इसलिए पूरा का पूरा केओस है, पूरा केओस है। और ये धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा है, ऐसे इंडिया में नहीं आ रहा है, इंडिया दूर नहीं है इन सब चीज़ों से, प्रभावित है। तो कैसे बच सकता है, जब उनको पता चले कि उनका मेन ड्यूटी क्या है, मेन ड्यूटी क्या है, कृष्णा का भक्त बनना। कृष्णा का भक्त का अंडरस्टैंडिंग आएगा कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई एम नॉट सर्वेंट ऑफ दिस सेंसेस, तब वो अंडरस्टैंडिंग आएगा। मगर औरतों को आदमी बनना है और आदमी औरत जैसे बन रहे हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, क्योंकि आदमी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, वो उसका नेचर ही वैसा है, मैस्कुलिन है वो, फेमिनिन नहीं है। मगर ये इनको और पहलवान बनना है तो फिर फाइटिंग होता है। और फिर जैसे मैंने अपने घर में सुना रहेगा, झगड़े होते हैं ना, हाँ हम अलग हो जाते, तलाक देते, मेरा दहेज वापस दे देना, ये कर देना, रोज सुनते हैं, मतलब हर महीने में दो तीन बार तो सुन ही लेते हैं, और 30-40 साल हो गया ये सुन सुन के, अभी भी साथ में ही है। क्योंकि वो ड्यूटी है कि ये मेरा पति है, अब मैं इसकी वाइफ हूँ, और मेरा ड्यूटी है इसको सेवा करना। वो एक पास्ट टाइम है गांधी जी का, गांधी जी अपनी वाइफ को बहुत फटकार देते हैं, बेकार कहते हैं निकल जा मेरे घर से, और उसको गेट तक देते हैं, उसको भगा देते हैं, जा घर से बाहर, और गेट बंद कर देते हैं। सवेरे झगड़ा होता है, शाम में गेट खोलते देखते वो वहीं पे बैठी है, पूछते क्या कर रही हो, बोलते क्या करूँगी, गेट खोलने का वेट कर रही हूँ, गई क्यों नहीं, मैं कहाँ पर जाऊँगी, सब इधर ही तो है, मेरा घर इधर है, मेरा पति इधर है, कहाँ पर जाऊँगी मैं, सब मेरे इधर ही तो है, तो समझ लेते वो फिर अंदर ले लेते हैं। सो कहते हैं
दो जब बकरे लड़ते हैं ना सिंह से, बहुत जोर से लड़ते हैं, आखिर में सब शांत हो जाता है। से जब मियाँ बीवी लड़ते हैं, शुरुआत बहुत भयंकर होती है, आखिर में सब किसी काम का नहीं है वो, तो इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मगर जब दोनों का मैस्कुलिन नेचर हो जाएगा कि मैं भी बहुत हूँ, मैं भी बहुत हूँ, तब प्रॉब्लम होगा, तब प्रॉब्लम होगा। इसलिए कल्टीवेशन ज़रूरी है, इसलिए ट्रेनिंग ज़रूरी है, वो नहीं है। इसलिए हम जब बात करते हैं, शास्त्र प्रभाव जी कहते हैं कैसे ट्रेनिंग होना चाहिए, हम वीडियोज़ देखते हैं, छोटी छोटी लड़कियाँ साड़ी पहन रही है और सर पे पल्लू लगा रही है, लाइक और इमेजिन कर सकते, ट्रेनिंग है कि इन फ्रंट ऑफ सीनियर्स आपको सर ढक के रखना है, लाज में रहना है। प्रभाव जी कहते हैं तो गहना क्या है औरत का, इट्स लाज, इट्स शाइनेस। मगर जो बोल्ड मैंने को तो चले जाते मूवी को देख के लाइक जो भी है, तो फिर अर्जुन कहते हैं कि ये डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वर्णशंकर हो जाते हैं, और फिर वर्णशंकर और वर्णशंकर पैदा करते हैं, और फिर ये ट्रेडिशन हो जाता है पूरे समाज का। तो इसलिए ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भगवद्गीता पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा कि कहाँ पे गाड़ी गलत जा रही है। क्योंकि हमको समझना चाहिए कि आदमी का एक नेचर होता है, औरत का एक नेचर होता है। मैं प्रीतु प्रभु का क्लास सुन रहा था, जो प्रभु जी के वरिष्ठ भक्त डिसाइपल हैं, तो बता रहे थे कि उनके पिताजी थे जिनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया था। तो जब वॉर हो रहा था, सेकेंड महायुद्ध, तब जितने भी ये थे नाजी के अगेंस्ट में थे, जो ज्यूज थे या नाजी के अगेंस्ट में थे, उन सबको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था। ज्यूज लोगों को तो गैस देके मार दिया जाता था, जो उनके रिबेलियंस थे उनको तो बहुत टॉर्चर किया जाता था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर, सोने नहीं देते थे, काम करवाते थे, मारते थे, सोते तो ठंडा पानी से फेंकते थे ना, बहुत कुछ टॉर्चर, जाम्स की टॉर्चर। जो इनके पिताजी थे वो कैंप में थे, बंदी थे, और एक आदमी था उसमें, एक ऑफिसर, जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता था, बहुत ज़्यादा परेशान करता था, और वो बहुत परेशान थे। तो उनकी वाइफ उन्हें मिलने जाती थी महीने में एक बार, तो उसको बता रहे थे ये आदमी जो खड़ा है ना उधर पहाड़ के ऊपर, ये मुझे बहुत टॉर्चर करता है। और वाइफ को कैसा लगे जब पता जब अपने पति को टॉर्चर कर रहा है, तो उसने देखती है घूर के, और वो जो उसका चेहरा है उसको कैप्चर कर लेती है। युद्ध ख़त्म होता है, पिताजी वापस आ जाते हैं, कुछ होता नहीं है, मगर पूरी ज़िंदगी भर वो रात में शांति से सो नहीं पाते, चिल्लाते हैं कि वो डर, वो फियर इतना गहरा रहता है कि उनका पूरा ज़िंदगी आगे का पूरा ख़राब हो जाता है, उनका भी और जो उनके साथ में है उनका भी। फिर कुछ सालों बाद पिताजी शरीर छोड़ देते हैं। तो विदेश में क्या होता है, कॉफिन में डालने के पहले उनको सब सजाया जाता है, तो वो करने के लिए अंडरटेकर आता है, जिसका नाम अंडरटेकर कहते हैं, कि वो आता है, धोता है, साफ़ करता है, तैयार करता है और अंदर जाता है। तो वो अपना काम कर रहा था नीचे बेसमेंट में अंडरटेकर वो सब, और फिर उनकी वाइफ जाती है, इनकी मम्मी, और देखती है, और जैसे उसको देखती है वो जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है, और सब बेटे आ जाते हैं, दोनों बेटे की, प्रभु जी भी की, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और जब होश में आती है वो कहती है ये वही आदमी है जो तुम्हारे पिताजी को टॉर्चर करता था। और जैसे ये दोनों सुनते हैं बेटे, एक जाता है वो तलवार वलवार लेने के लिए, किसको तो भी मारेंगे इसको, तो एक जाता है बंदूक लेने के लिए, एक कहता है गेट बंद कर, इसको तो छोड़ेंगे नहीं, इसने पूरी हमारी ज़िंदगी खराब कर दी है, खराब कर दी है, उसको बस मारने वाले रहते। मगर माँ बोलती है नहीं, क्योंकि इसके वजह से अगर इसको कुछ हो गया तो इसकी बीवी को तकलीफ होगी, जिसकी कोई गलती नहीं है, अब बच्चों को तकलीफ होगा, उनकी भी गलती नहीं है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। ये सिर्फ एक औरत कह सकती है, जो हम भागवत में सुनते हैं द्रौपदी ऐसा कहती है कि मत मारो, ब्राह्मण का लड़का है, आदमी नहीं कह सकता ऐसा, कि उसका नेचर ही नहीं है वैसा। तो हरे का नेचर है, और इसलिए हरे का एक ड्यूटी है स्पेसिफिक, अगर हम अदला बदली करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो हम नहीं समझे तो वी मिस द पॉइंट। और ये करने के बाद हमारा जब शुद्धिकरण होगा तब हम शुद्ध भक्ति की स्टेज में आएंगे, तब ये जो गुण दिख रहे हैं यहाँ पे, अनअटैच्ड, आसक्त, न फायदा न नुकसान, बस कृष्णा के प्रशंसा के लिए हम करेंगे, टू प्लीज कृष्णा, नथिंग एल्स। तो ये मेन हमारा होना चाहिए। मगर हम ड्यूटी चेंज कर देंगे, और इसमें आगे भी आएगा 50-50 वाले श्लोक में, क्यों कहते हैं, हाँ पता नहीं इसमें ही है कहीं पे, कि अपना ड्यूटी गलत तरीके से करना बेटर है किसी और का ड्यूटी सही तरीके से करना, अपना ड्यूटी गलत तरीके से करना बेटर है किसी और की ड्यूटी सही तरीके से करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्णाश्रम सिस्टम आपको बताता है कि आपका ड्यूटी क्या है।
एज अ गृहस्थ आपका ड्यूटी क्या है, एज अ ब्रह्मचारी आपका ड्यूटी क्या है, एज अ वानप्रस्थ आपकी ड्यूटी क्या है। वानप्रस्थ क्यों दिया गया है 50 साल की उम्र? क्योंकि आपका शरीर साथ ही नहीं देगा कमाने के लिए, आपको शरीर बना ही नहीं वो सब चीज़ों के लिए, और फिर भी आप खुद को खींचोगे तो आप कैसे फोकस कर पाओगे स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर? बहुत मुश्किल है। तो वो ड्यूटी दिया गया कि अभी ये एज में आपका ड्यूटी ये है, पालन करो घर का, घर का पालन करो, उसके बाद में टाइम दो स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए, ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि आपको क्या अपना फोकस बढ़ाना है कृष्णा के ऊपर, और ये आपकी ड्यूटी है। अगर हम क्या करेंगे, नहीं 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 सबको सेटल करके जाएंगे, बेटे को, उसके पोते को, उसके उसके पोते को, इसको पोते को, कहते ना बस तेरी शादी देख लूँ बेटा मैं, क्या गंगा नहालूंगी, ये सब कंसेप्ट रहता है। तो ऐसा नहीं चलता है, इस तरह से काम नहीं करता है। इसलिए ड्यूटी दिया गया है उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। ओके, सो किसी का कोई प्रश्न है? यस मैम, और डिस्कस करेंगे और इसको रिफाइन करूंगा मैं। यस माता जी। प्रभु जी, हमारी इंडियन अश्लील कपड़े पहनकर कथा में आती है। जब उनसे कहा तो कहती है कि कथा सुनो ना, मेरे कपड़े क्यों देखते? या इसलिए ड्रेस कोड रहता है ना, स्कूल में जाके हम ड्रेस कोड पहनाते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या, स्कूल में आजकल वैसे ड्रेस कोड देते हैं तो वो वैसे ही ट्रेंड हो गए हैं, तो उनकी भी गलती नहीं है और हमारी गलती कि हम ऐसे स्कूल में भेजते हैं। सो ये एक इशू है। दूसरा इशू है, अब इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव है देखने के। कहते हैं ना कि जब कोई नहाता ही नहीं है कभी, उसको कैसे एडवाइस करेंगे, भाई एक महीने में एक बार तो नहा ले, उसको वो लेवल पे लेके आएंगे। ठीक है, तुमको कहने का कि भाई आप आ चुकी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर थोड़ा ढक दो। बोलेंगे पूरा चेंज करके आओ, तो फिर वो रिबेल करेंगे, कि यूथ का नेचर होता है रिबेल करना। जैसे मैं पहले लेफ्ट हैंड से खाता था, राइट, जब मुझे पहली बार बोला गया था ये गलत है, मैं प्रसाद ले रहा था, मुझे इतना गुस्सा आया कि तुम कौन हो बोलने वाले हैं, राइट। फिर वो ऐसा आता है ऑटोमेटिकली कि कौन है, हमने इतने साल से खा रहे, 25 साल हो गया और तुम अभी बोल रहे हो कि ये गलत है, और क्यों गलत है बताओ, मेरा क्वेश्चन वो था क्यों गलत है बताओ। सो फिर बोला गया प्रभु जी ये खाने हाथ नहीं खा, समझने कोशिश किया गया, मैं ठीक है तुम्हारे सामने मैं ये हाथ से खा लेता हूँ, मैं घर पे आके मैं ये हाथ से खाऊंगा, याद रखना। मगर जब मैंने ये हाथ से खाया, जब वो अलग तरीके से कहा उन्होंने, तब लगा ये इसमें तो स्वाद अच्छा आता है ये हाथ से खाने पे, फिर वो आदत सी हो गई है, फिर आदत सी हो गई। इसलिए वो डोज थोड़ा सा वेरी करना पड़ता है। जब कोई नया होता है उसको हम ज़्यादा नियम कानून बता देंगे, अरे खुद के भक्तों को जो 10 साल हो जाते हैं उनको नियम कानून बताते वो नहीं सुनते हैं, ये नया वाला क्या सुने, नया वाला क्या सुनेगा, बहुत मुश्किल है। इसलिए हम हमारे वो कहते हैं ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बाकी जनरल बात करो कि हमारे एग्जाम्पल्स हैं। या सो हरे का नेचर है, कथा सुने कुछ तो जाएगा अंदर। कहते ना एक बार चोर आया था कृष्णा कथा सुनने के लिए, और उसने कथा में क्या सुना कि कृष्णा के शरीर में बहुत सारे ज्वेल्स है, मोती है, तो एकदम इंटरेस्ट हो गया, भाई ये कृष्णा कहाँ पर मिलेंगे बताओ। वो कहते हैं कि गोवर्धन में मिलेंगे, पुकारना उनका नाम, वो चले जाता है वो चोर, और कृष्णा कृष्णा पुकारता है, मिलते नहीं है, बेबस हो जाता है, मगर बहुत क्या बोलते हैं बहुत एंथुजियास्टिक रहता है कृष्णा को ढूंढने के लिए, देखने के लिए, चोरी करने के लिए एक्चुअली, मगर कृष्णा को चोरी करना है, और कृष्णा आ जाते हैं वहाँ पे, और आ जाते हैं ये एकदम एक्साइट हो जाए और कहता है कि तुम्हारे मम्मी का पापा का दोस्त हूँ मैं, तुमसे मिलने आया हूँ, चलो मेरे साथ में। वो कहता है नहीं 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 मेरे घर वाले ने बोला है अनजान लोगों से बात नहीं करते हैं, अरे तुम्हारी ज्वेलरी कितनी सुंदर है मैं देख लूँ, ना ना हाथ मत लगाओ, ठीक है। तो फिर भी वो निकालना चालू कर देता है, और जब निकालता है और कृष्णा को देखता है, वो देखता है कृष्णा तो अभी भी सुंदर है, ज्वेलरी निकालने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, और इतना प्रभावित हो जाता है कि वो ज्वेलरी, वो कहता है कि तुम्हें वापस मैं तैयार कर लूँ, हाँ तैयार कर दो, और फिर वो भाव में आके रोना आके वो कान का कहीं और लगा देता है, कहीं और लगाता है, कृष्णा को श्रृंगार कर देता है। और जब कृष्णा आता है घर पे, प्रभा जी स्टोरी कहते हैं, माता जी पूछती है कि मैंने तुम्हें ऐसे तैयार करके नहीं भेजा था, ये कौन किया तुम्हें? मेरे भक्त ने किया है, मेरे भक्त ने किया है। सो कामी अकामी, मोक्ष कामी, जो भी आपकी काम हो, मगर आप कृष्णा को जब अप्रोच करेंगे तो यू गेट प्योरीफाइड, आपका शुद्धिकरण होता है, मगर एटलीस्ट कृष्णा को अप्रोच करना चाहिए। तो जब हमारे पास कोई आता है हमारे मंदिर में, कि अभी मंदिर का भीड़ कितना है, हमें लगता है कि रोज़ लोग आएंगे, मगर आप कोई के मंदिर में जाओ लोग आते नहीं हैं, और जब कोई लोग आ जाए तो लोग खुश होते, भाई आ गया भाई, कैसे कपड़े पहने कोई मतलब नहीं, तू आ भाई हमारे मंदिर में, लाइक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक सही तरीके से डोज देके धीरे उनको करना चाहिए,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है प्रॉब्लम है। और ये हमें सीखना चाहिए, प्रभुपाद जी के टाइम पे क्या हो रहा था, प्रभुपाद जी टॉलरेट करते थे ना उनके समय, तो माता जी डांस करने चालू कर देती थी और सब लोग देखते थे कि उसको भी बिठाएंगे नज़दीकी तो उसको पकड़िए बिठा देंगे, भाई टॉयलेट किया और फिर खुद बेहोश होकर शांत होगी, खुद शांत होगी और फिर खुद कपड़े नॉर्मल कर दिए। तो टाइम देना पड़ता है शुद्धिकरण के लिए। तो ये कृष्णा कीर्तन कृष्णा कथा इतना प्योरीफाइंग है कि जानो या ना जानो इसका इंपॉर्टेंस आपको प्योरीफाई कर ही देगा वो। इसलिए हमें मौका देनी चाहिए लोगों को, ये मंदिर मौका है लोगों के लिए देने के लिए, कि लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है देखा जाए तो जाने के, टाइम वेस्ट करने का, मगर वो स्पेसिफिकली मंदिर में आया है तो उनका कुछ तो उनका ये पुण्य रहेगा, कुछ तो उनकी सुकृति रहेगी। हमारे लेवल पे नहीं है कह सकते हैं हम अभी अभी तो, मगर हमको मौका दोगे तो वह हमसे भी आगे निकल सकते हैं और हम देखते हैं कि लोग निकल जाते हैं। हम पहले जब फर्स्ट टाइम गए थे हम तो पैंट शर्ट में गए थे, हम तो प्रणाम भी नहीं किए थे भगवान को, क्या करना है क्या पागल लोग सो रहे हैं मैं तो ऐसा कहता था क्या और क्यों सो रहे, कभी कोई इधर सो रहा है कोई उधर सो रहा है, हो क्या रहा है। सो तो वो मेंटेलिटी था। जब पता चला इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि एक बार जो प्रणाम करे उसके कितने सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जब हम भी करके देखते हैं तो मज़ा आता है, फिर अच्छा लगता है, फिर उसका इंपॉर्टेंस पता चलता है और फिर धीरे आदत सी हो जाती है। तो शुरुआत के हम हमारी खुद के दिनों की शुरुआत याद करनी चाहिए हमें और फिर डोज वेरी करके, कि जैसे अभी और ये पीढ़ी बढ़ेगी लोग और नहीं सुनेंगे, बहुत कम सुनना चाहेंगे, बोलना ज़्यादा चाहेंगे, मगर ठीक है मंदिर में बोलो जो बोलना है कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड दे विल गेट प्योरीफाइड, वो प्योरीफाई शुद्ध हो जाएगा उनका और फिर खुद पहन के आएंगे अच्छे कपड़े। और माता जी में वो टेंडेंसी होती है जो बाकी लोग पहन रहे हैं ना उनको लगता है कि मैं भी ऐसे पहन के आऊँगी, तैयार हो गए होंगे, तो उनको फेस्टिवल में बुलाना चाहिए, क्या फेस्टिवल में आइए और देखो आप कितना अच्छे से श्रृंगार होकर आएंगे और फिर धीरे 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 हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। इनके पहले एक और प्रभुजी ने क्वेश्चन हाथ उठाया था वहाँ पे, यस या बिगड़ गया या सो हमारा मूवमेंट बहुत बड़ा हो चुका है प्रभु जी, बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, लाइक वी कैन नॉट कंट्रोल दैट, कुछ नहीं होगा राइट। वो तो हमेशा बोलेंगे, पहले बोलेंगे मतलब प्रभा जी के टाइम बोलते थे कि माता जी को यहाँ पे नहीं होना चाहिए मंदिर में, कहीं और होना चाहिए, वो कहते थे यमुना जी माता जी का ये गोविंद आदि पुरुषम नहीं बनना चाहिए, वो लेवल तक भी जाता है। प्रभा जी कहते तुम जाके हिमालय पे जाके बैठ जाओ, आप जाओ हिमालय पे जाके बैठ जाओ, हमारे प्रीचिंग मूवमेंट है सो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और हमें तो बाहर जाते हैं इन लोगों के पास राइट, वी गो टू देम, हम जाते हैं उनके पास, बुक लो हरे कृष्ण चैंट करो मंदिर आओ, और जब मंदिर आते तो फिर नियम कानून बताते हैं उनको, ये लाइन स्पेशल प्रभु जी के लिए है तुम्हारे लिए नहीं है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं ना तिलक नहीं है तुम्हारा तुम नहीं हो सकते हो, कैसा लगेगा, और हो ही रहे ना। और जब बाहर जाते हैं प्रभु जी प्लीज गीता कितना अच्छे से बात करते हैं कि स्कोर बढ़ाना है ना, और जब ये लोग अंदर आते हैं तब कैसे ट्वीट करते हैं। सो हम इतना मेहनत जो बाहर कर रहे हैं उसका ये नतीजा है, जो कीर्तन करने जा रहे हैं उसका ये नतीजा है, तो जब आते तो हमारे मेहमान है वो अतिथि, विदाउट नॉकिंग दे कम। और हम प्रभा जी का एक पास्ट टाइम भी था कि एक गेस्ट था जो विदेश कोई टेम्पल में गया था, प्रभा जी को कह रहा था कि मैं गया था कोई मुझे रिसीव करने को नहीं था, और फिर प्रभा जी फोन लगे कि भाई ऐसे क्यों हुआ, तो वो कह रहा था कि मैं पूजा कर रहा था तो मैं गेस्ट को रिसीव नहीं किया, प्रभु जी कहते तुम अल्टर छोड़ के नीचे आनी चाहिए तुम और उसको रिसीव करना चाहिए था, तुम्हारा काम वो है पूजा छोड़ के रोक के उसे रिसीव करो, कि फायदा क्या, जब लोग आए ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए उनको पहले रिसीव करो। तो ये प्रभु जी का मूड था, वो तो एक जरिया है लोगों को अट्रैक्ट करने का, जब कोई आया उनको रिसीव तो करो और फिर उनके सामने करो हम ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब ये होता है इसका मतलब ये होता है। तो ये प्रभु जी का मूड था, प्रभु जी की प्रीचिंग मूड था और इसलिए सक्सेसफुल था राइट, इसलिए सक्सेसफुल था। प्रभु जी ने सबको अकोमोडेट किया हर एक को, हम बीच में एक राजस्थान काउंसिल का मीटिंग था यहाँ पे, तो हम प्रभु जी की क्वालिटीज के ऊपर फोकस कर रहे थे जिसकी वजह से प्रभु जी का प्रीचिंग सक्सेसफुल था। एक था अकोमोडेटिंग, प्रभु जी सबको अकोमोडेट करते थे, कैसा भी हो गलती भी किया फिर भी उसको अकोमोडेट करते थे। प्रभु जी कहते मैंने ऐसा घर बनाया जहां पे हर कोई रह सकता है,
तो हम वो डिसाइड करने वाले नहीं, वो प्रभुजी डिसाइड करने वाले हैं। तो प्रभुजी का क्या मूड था उसके हिसाब से हमें हमारे मूड को एडजस्ट करना चाहिए और फिर वैसे चलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर धीरे धीरे आप नियम कानून लेके आ सकते हो। पहले उसको थोड़ा सा सरेंडर होने दो, भाग जाएगा, भाग जाएगा। तो ये हमारा इंडिविजुअल ड्यूटी है, जो भी कम्युनिटी में रहता है वृंदावन कम्युनिटी में, उसका ड्यूटी है कि जब कोई आए तो उसको अच्छा एक्सपीरियंस जाए, अच्छा एक्सपीरियंस जाए, बेकार एक्सपीरियंस नहीं जाए। ये बहुत ज़रूरी है। ओके प्रो, थैंक यू। यस प्रो जी, वो रहता है ना कि वो बिजली चालू होती तो वो कुछ कुछ कीड़े रहते हैं उसमें घुस जाते हैं, उनको लगता है कि एनलाइटमेंट मिलेगा और जल के मर जाते हैं। सो कुछ कुछ मनुष्य भी वो गुण से प्रभावित है। पता है कि उस आज मैं देख रहा था ना, वो एक एडवर्टाइजमेंट था रजनीगंधा का, उसमें सुंदर फूल और नेचुरल बैकग्राउंड, इधर ही वो भूतेश्वर चौराहे था वो बोर्ड में देखा। रजनीगंधा इतने आसानी से नहीं बन पाता है, बहुत मेहनत लगता है। और नीचे लिखा लिखा है, पान मसाला खाना हानिकारक है, इससे कैंसर होता है, आप मर सकते हैं। तो लिखा हुआ है राइट, पर फिर भी खाएंगे क्योंकि ज्ञान काम नहीं कर रहा है। इसलिए जो जो इंटॉक्सिकेशन करता है वो कभी दृढ़ नहीं रह सकता, कभी भी नहीं रह सकता, जो कभी ठान नहीं सकता कि मैं ऐसा हूं। इसलिए इंटॉक्सिकेशन डेंजरस है। इंटॉक्सिकेशन नहीं अगर करोगे तब ऑस्टेरिटी नहीं कर सकते, कि ऑस्टेरिटी के लिए आपको बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए। अगर निर्जल एकादशी करना है तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, राइट, आसान नहीं है। न मन कहेगा भाई थोड़ा तो चकले पानी, पानी चकले, हवा हवा में वो स्प्रे मार दे खुद के उसमें पानी नहीं है वो स्प्रे मार दो खुद के उसमें, राइट। हाँ, सो ये तरीके से होते हैं। सो इंटॉक्सिकेशन आपको पुअर बनाता है, तो पहले से वीक है और करके वो और वीक बन जाते हैं। सो कैसे होगा, जब आप उसको हाई टेस्ट दोगे, भाई ठीक है ये खा, आके एक बार रसमलाई तो खा मंदिर में आके, ठीक है, और रसगुल्ला खा। मैं आपको सच्ची बताता हूँ, जब मैं मंदिर था, मेरा जॉब था, तो जो प्रभु जी थे जिनसे मैं मिला था, वो मैं जब भी जाता मेरे लिए प्रसाद रखते थे, रसमलाई, रसगुल्ला, वो मैं उसके लिए वो लेने के लिए जाता था एक्चुअली मैं मंदिर वही पर्पज से जाती ना, अच्छा प्रसाद मिलता है। और फिर करते 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 फिर जो मुझे वो कहते थे मैं करना शुरू किया। मुझे कहते थे कि ठाकुर जी के लिए फूल तोड़ो, तो हमारा गार्डन था वहाँ पे, मैं आज के फूल तोड़ता था। तो धीरे कर करके कर करके ऐसा रिलेशनशिप बन गया, फिर सब छोड़ दिया सब छोड़ दिया फिर। तो स्टेप बाय स्टेप होता है, मगर जो उनका रिसेप्शन था, जो उनका भाव था, वो मुझे अट्रैक किया। हाँ मंदिर सुंदर सब के, मगर जो उनका भाव था वो अट्रैक किया। तो एज अ डिवोटी हमारा भी भाव होना चाहिए कि लोग अट्रैक्ट हो यहाँ पे आके, ये लाइन में लगो, इधर लगो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। गोविंद जी में आप जाओगे जयपुर में, गोविंद देव जी में, वहाँ पे लड्डू बटता है। अभी कोरोना के बाद बंद हो गया किसी कारणवश, मगर लड्डू बांटते हैं, वो बूंदी के लड्डू वहाँ पे लोग खरीदते हैं और जो भी आता है उसको बांटते, ये लो वहाँ प्रसाद लो। करौली में गोविंद देव जी में, और करौली में भी होता है, मगर गोविंद जी में लोग बांटते जाके कि भाई लड्डू प्रसाद लो। तो हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, फॉलोअर्स है, तो महाप्रभु ने भी मर्सी बाटी है। अगर हम वो मूड से नहीं रहेंगे तो हम कैसे खुद को महाप्रभु के फॉलोअर्स कह सकते हैं, कि महाप्रभु ने देखा कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल। हम एलिजिबल है भक्ति के लिए, आर वी एलिजिबल फॉर भक्ति इफ यू सी अवर सेल्फ। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, महाप्रभु ने वो कैटेगरी रखा ही नहीं है, सबको मर्सी दिया, सबको मर्सी दिया। तो हमें भी मौका देना चाहिए सबको, और फिर किसी को ये जन्म में किसी को अगले जन्म में, मौका देना ज़रूरी है। और ये संकीर्तन मूवमेंट का मेन उद्देश्य है, मौका देना, लोग कीर्तन सुन सके मौका, लोग कथा सुन सके मौका, लोग बुक पढ़ सके मौका। तो ये टेम्पल एस्टेब्लिश इसलिए किया जाता है तो हम लोगों को मौका दे सके। इसलिए हम रोज है दर्शन करने वाले, कभी भीड़ होती है लगता है ये क्या लोग आ गए, राइट, ऐसे बोलते हैं ना, कोई इधर से लात प्रणाम करते लोग लात मार के जा रहे हैं हम प्रणाम करते लोग हमारे ऊपर कूद के जाते हैं, होता है कि नहीं होता है, मगर लोग आए ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। आप तो रोज करते हो, एक दिन एडजस्ट कर लो, हाँ एडजस्ट कर लो। मैं तो देखता हूँ सीनियर माता जी सीनियर डिवोटीज को प्रोबा डिसेबल को, वो दूर से देखते हो चले जाते हैं कि लेट पीपल हैव दर्शन,
वो जा सकते हैं, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, नहीं, वो तीव्र दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और गुरु पूजा के टाइम पे बाद में जब भीड़ कम होता है तब जाके दर्शन करते हैं, तब ताकि लोग दर्शन कर सके, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके सो और कुछ? हाँ, तो मन का ड्यूटी है ऐसा करना हमारा ड्यूटी है उसको वापस लेके आना, इसलिए मंत्रा चैंटिंग करते हैं हम, मन और त्र, मन हमारा माइंड और त्र मीन्स टू अट्रैक्ट द माइंड, और हम तो महामंत्र चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। मगर जब हम बेबस होकर चैंटिंग करेंगे ना तब पता चलेगा माइंड कैसे अट्रैक्ट होता है, हम क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एज अ फॉर्मेलिटी। इसलिए सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज कहते हैं हमारी रियल चैंटिंग शुरू होता है 16 माला के बाद हमारा असली चैंटिंग शुरू होगा 16 माला के बाद, क्यों? तब हम रियल टेस्ट से करेंगे, फॉर्मेलिटी का हो गया, टेस्ट से करना अलग होता है, सो वो अलग पर। और जब बहुत टेंशन होता है ना तब चैंटिंग एकदम अच्छा लगता है ना, तो टेंशन आने दो और ताकि फोकस अच्छे से रहे। ओके सो थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता की, श्वेल प्रभुपाद की, समस्त भक्त वृंद की, नित्य गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण।